नमस्कार, आप देख रहे हैं CDTV24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ सनम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। अराजक तत्वों ने सैयद बाबा की मजार को तोड़ लिखा जय श्री राम का नारा। आस्था रखने वाले लोगों में हिंदू मुस्लिमों के प्रति दिखी खासी नाराजगी। यूपी के जनपद फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रेवाड़ी बुजुर्ग का है, जहां पर वर्षों पुरानी बनी सैयद बाबा की मजार को अराजक तत्वों द्वारा होली व शबे कद्र जैसे दो पवित्र त्योहारों के दौरान तोड़ कर हिंदू मुस्लिम जैसे दो समुदायों में टकराव कराने के उद्देश्य से की गई साजिश। इतना ही नहीं बल्कि मजार तोड़ने के बाद जय श्री राम का नाम भी लिखा गया। श्री राम हिंसक थे जो उनके नामों का इस तरह से इस्तेमाल किया गया। कोई भी धर्म इस तरह से हिंसा करने की इजाज़त नहीं देता है, तो फिर श्री राम ने जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम रहे वो अपना नाम लेकर इस तरह से हिंसा करने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। जैसा कि दंगाइयों ने श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेकर हिंसाकारी किया। उन्होंने ऐसा करने का उपदेश दिया था कि मेरा नाम लेकर मॉब लिंचिंग या किसी दूसरे धर्म मस्जिद गुरुद्वारे चर्च मजार दरगाहों में नारे लेकर हिंसा करो, ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन उसके बावजूद ऐसा होना बड़े ही शर्म की बात है। इस बात की जानकारी जैसे ही स्थानीय पुलिस को हुई तो पुलिस मौके पर पहुंचकर तोड़ी गई मजार को पुनः निर्माण करवाकर आपसी भाईचारे का एक अच्छा संदेश दिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि मजार से थोड़ी ही दूर पर गांव के ही कुछ अराजक तत्वों के खेत हैं, जो मजार पर आने जाने वालों को प्रतिदिन रोकते टोकते हैं। उन्हीं की ये हरकत है। साथ ही उनके द्वारा बताया गया है कि प्रशासन के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और उन्हें धमकी भी दी है। प्रशासन के आला अधिकारी ने कहा कि मजार को यहाँ से यहाँ तक बनाए, मानो कि अधिकारी भी अराजक तत्वों के ही बोल रहे हों। उस अधिकारी का नाम पूछने पर स्थानीय लोग उनका नाम नहीं बता पाए, या फिर यूं कहें कि अराजक तत्वों के साथ अधिकारियों की भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। कोतवाली कल्याणपुर से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी गई है। आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले दोषीजनों को जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा ताकि क्षेत्र में अमन चैन कायम रहे। इस मौके पर आईएलएम प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस पीर मोहम्मद शाह, मोहम्मद अकरम वारसी, अमन शाह आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता अवध राम सिंह के साथ आरके की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? मोहम्मद असलम वारसी। कहाँ रहता है? यहीं जी, रेवाड़ी खुर्द। मजार आपकी टूट गई जी, आपको कब पता चला? ये सुबह हमें पता चला। हाँ, 5:45 बजे। तो कुछ लिखा हुआ भी था? हाँ, मजार पे लिख दिया था, गिराने के बाद ऊपर एक तुर्बत बनी थी, उसमें लिख दिया जय श्री राम। तो इसकी सूचना पुलिस को दे दी आपने? जी हाँ, पुलिस को दी है, प्रशासन आए हुए हैं। हाँ, के देख रेख में सिर बनाई जा रही। तो कार्रवाई का आश्वासन दिया प्रशासन ने? अभी तो ऐसा कोई बात नहीं है, कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया। ठीक। मोहम्मद अकरम, कहाँ रहते हो? रेवाड़ी। ये जो दरगाह टूटी है सैयद बाबा की, तो कैसे टूटी है? ये बगल में खेत सुरेंद्र का है, जात के पंडित हैं, और उनके लड़के, उनकी मेहरिया, उनके भाई, यानी कि धर्मस्थल में किसी को आने नहीं देते हैं, लाठी डंडा लेकर बैठते हैं, जो आता है उसके ऊपर विवाद करते हैं। तो आप सरकार बनने को नतीजा पे बनी तो उन्होंने अपना सिस्टम काम किया, दरगाह को तोड़ा, दरगाह को गिराया। दरगाह टूटी, आपको इस बात की जानकारी कब हुई? दरगाह मैं कानपुर में था, व्हाट्सएप आया, मोबाइल में फोटो देखा, मैं तुरंत आया। भाई सामने थे, ये देखा था सुबह आके, देखने वाले पूरी जनता है, सब भीड़ आके सुबह टूटे देखा। हाँ, तो लियर। क्या नाम है? अमन नाम है। तो कहाँ, यही रेवाड़ी रहते हो? जी, रेवाड़ी के रहने वाले। रेवाड़ी के रहने वाले जी। तो ये मजार टूटी, आपको कैसे जानकारी हुई? सुबह हम यहाँ रनिंग करने के लिए आते हैं, रनिंग करने के बाद यहाँ फातिया पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ देखा तो पूरी मजार को तोड़ा गया था, ऊपर श्री राम लिख दिया था। अच्छा, तो जिन लोगों ने तोड़ा तो उनको तोड़ते हुए देखा या मतलब तोड़ते हुए तो नहीं देखा है? हाँ, मगर जब हम आए तो वहाँ पे श्री राम लिखा हुआ था, पूरी टूटी फूटी पड़ी हुई थी पूरी मजार, तोड़ दिया था। भाई जिनकी जमीन उन्हीं को दिक्कत है, हमको आपको दिक्कत नहीं। वैसे किन लोगों पर शक है जो ऐसा कर सकते हैं? भाई जिन्हों हमेशा रोकते हैं, भाई विवाद कराते हैं। कौन लोग हैं? सुरेंद्र है, सुरेंद्र के लड़के हैं, उनके भाई हैं। अच्छा, तो ये अक्सर इन लोगों का हमेशा विवाद रहा, मतलब कोई धर्मस्थल है किसी का, आप हम हिंदू भाई भी आता है, मुसलमान भाई भी आता है, सबको इसको फायदा मिलता है, वो आता है। और आज तक सैकड़ों साल से कोई बता नहीं सकता कब की दरगाह है,
तो इसके लिए प्रशासन के एफआईआर के लिए कॉपी दी? दो तीन बार एफआईआर हो चुकी है, कहा गया है, कोई सुनवाई नहीं भाई। इसके पहले एप्लीकेशन दी? हाँ, हो चुकी है। वो जिसने कहा भाई, हमने कहा विवाद हुआ आने जाने पर, कहा जाए कि बदनाम हमें हुए, मतलब कब्जा करना चाहिए। प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं। तो आज जैसे कि ये मजार टूटी गई है, तो इस पे एप्लीकेशन अभी तक दी गई नहीं? दी गई अभी नहीं दी गई। तो इसके हम मत है नहीं। अभी जो मैं देखा कि सब टूटी पड़ी है, सब सुन वहाँ सब मोबाइल देखा, सब टूटी, तो मैं आया देखने के लिए। तो ये मालूम भैया तो चले गए इन पे। बाबा कहाँ रहते हैं? जिवाड़ी बुजुर्ग। ये जो मजार टूटी, कैसे जानकारी हुई आपको? वो हमारा लड़का आ रहा था, वो दौड़ कर रहा था तो यहाँ आया, दुआ लेने हाथ में, हाथ रखवाने बाबा से, तो इसने देख के हमको बताया। तो कौन लोग हो सकते हैं मजार तोड़ने के पीछे? सुरेंद्र उगेन। तो यहाँ इसकी सूचना प्रशासन को दी आपने? प्रशासन को आया, प्रशासन हमको खुद हड़का रहा था। कौन आया था? वो एक अधिकारी थे, हम उनको नाम नहीं जानते। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि वो बोल रहा था कि यहाँ से यहाँ करो, ऐसा बनाओ। वो महेन कह रहा था यहाँ से ऐसे बनाओ, तो हम कॉल करें तुमको जेल में डाल दें। हमको होशोबाद, मैं हाजिरी में था। प्रशासन ने धमकी दी? हाँ, धमकी। मैं उसको होशोबाद, मैं हाजिरी में था। अच्छा। हा? उस वक्त मैं हाजिरी में था। वो लोग समझ नहीं पाए, ये गुस्सा कर रहा। ठीक।